इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम थोड़ा अलग है, वोकैबुलरी ही है, डे थ्री है। इससे पहले कि हम डे वन और टू का वीडियो डाल चुके हैं, तो आज हम जो बात करेंगे डे थ्री का जो कीवर्ड उसका है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड है जो हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स वर्ड इसमें नहीं आएगा लेकिन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या है? एबडिकेट। क्या बोलते हैं इसको? एबडिकेट। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? उच्चारण क्या है? एबडिकेट। क्या है इसका उच्चारण? एबडिकेट। ये वर्ब होता है, मैंने ये जो ब्रैकेट में लिखा है वी, वी मतलब होता है वर्ब, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, डिक्शनरी में होता है, वैसे मैं बता रहा हूँ, वर्ब है। एबडिकेट क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सत्ता त्यागना। ये सत्ता त्यागना यानी कि जो किसी राज में हो आप उसको त्याग देते हो, चाहे वो राजा त्यागे, चाहे कोई 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 सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जब वो अपना पद त्याग देता है अपने मन से, मतलब कि खुद, चाहे वो मजबूरी में लेकिन अब खुद वो त्यागता है, तो उसको हम एबडिकेट बोलते हैं। यानी कोई उसको हटाता नहीं है, मार के हटा दिया, कोई मार दिया उसको, या कोई कोई दूसरा जो प्रेसिडेंट है वो उसको धोखे से कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, वो खुद अपने मन से हट रहा है, चाहे वो प्रेशर से हट रहा है कि भाई कोई प्रेशर है, पार्टी गिर गई है, पार्टी मतलब पार्टी नहीं इलेक्शन जीत पाई है, नेक्स्ट इलेक्शन, वो पहला इलेक्शन जीत गई 5 साल का, उसके बाद के जो इलेक्शन वो उसमें नहीं जीत पाई, तो वो एबडिकेट करता है, सत्ता त्यागता है। तो क्या लिखा है? दिस मिनिस्टर हैज टू एबडिकेट। एग्जाम्पल इसका क्या है? दिस मिनिस्टर मतलब कोई मिनिस्टर है, कोई नेता है, हैज टू एबडिकेट। हैज टू का यूज करते हैं हम जब हम किसी को प्रेशराइज करते हैं, बाध्य करते हैं किसी काम को, काम के लिए, या जो हमें मजबूरन करना ही होता है, उसके अंदर हैज टू का यूज करते हैं। दिस मिनिस्टर हैज टू एबडिकेट मतलब इस मिनिस्टर को एबडिकेट होना ही है, सत्या त्यागना ही होगा। इसका मतलब ये है कि इस मिनिस्टर को या इस मंत्री को सत्या त्यागना ही होगा या त्याग देना होगा, इसका दोनों सेंस आ सकता है। हैज टू का यूज करते हैं, हैज टू या हैव टू भी हो सकता है जब ये प्लूरल होगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैज लगा है, ये हैव टू भी हो सकता है, कभी हम इसका यूज ही पढ़ेंगे बढ़िया से। तो पहला वर्ड समझ में आ गया, एबडिकेट। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंसिएशन क्या है? एबडिकेट। तो आप और भी वर्ड बना सकते हो, और सेंटेंस बना सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंटेंस जरूर बताइए। दूसरा क्या है? एजुकेटर, एजुटेटर। क्या बोलते हैं इसको? एजुटेटर, एजुटेटर। और ध्यान दीजिएगा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसी वर्ड को, मतलब उस वर्ड को ज्यादा फोर्सली बोलिएगा। एबडिकेट। क्या बोलिएगा? एबडिकेट, एबडिकेट। बाकी जितने उसको नॉर्मल पढ़ेंगे इसको थोड़ा फोर्स करेंगे, एबडिकेट। फिर दूसरा है एजी, या ऐसे बोल सकते हो, एजिटेटर, एजिटेटर मतलब ए पे आपको बल दे रहा है, ए पे बल दोगे तो ये एग्जैक्टली फॉर्म, देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसमें कभी होता है ना, बोलते हैं अच्छा, बोलते हैं ना हम लोग अच्छा पे बल देते हैं, कभी बोलते हैं ना बहुत, तो हम बहुत ब पे नहीं, हुत पे बहुत बल देते हैं, बहुत बुरे हो, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, तो ठीक है। वैसे भी इंग्लिश में क्या होता है, हर एक वर्ड का अपना तरीका होता है बोलने का, कि इस तरीके से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ए पे जब आप फोर्स करेंगे तो ये एग्जैक्ट साउंड देगा, एग्जैक्ट प्रभाव डालेगा सामने वाले को, इसलिए भी आपको ये करना है, आपको ए पे ज्यादा बल देना है, एजिटेटर बोलना है। क्या बोलना है? एजिटेटर, एजिटेटर। और ये नाउन होता है, यानी कि किसी का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी को हम कह सकते हैं, पर्सन प्लेस और थिंग को। आंदोलनकारी, साफ साफ लिखा है आंदोलनकारी, यानी कि जो आंदोलन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसका यूज नेगेटिव वे में होता है, यानी कि इसका यूज हम न्यूट्रल कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में कहने मतलब जैसे कोई विद्रोह कर रहा है ना, कोई विद्रोह कर रहा है, या मान लीजिए कि कोई सड़क पे उड़दंगई कर रहा है, तो उसके लिए भी इसका वर्ड का यूज होता है। सरकार के खिलाफ कोई मांग हो रही, मान लीजिए आंदोलन हो रहा है, उसी में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, दंगा हो गया, तो आप उनको जो दंगा हो रहा है, जो दुख कर रहा है, उनको भी आप एजिटेटर कह सकते हो, एजिटेटर कह सकते हो। आंदोलनकारी, नॉर्मल आंदोलनकारी, जो आंदोलन कर रहे हैं, किसी चीज पर धरना दे रहे हैं वो भी, और जो कोई ऐसा कुछ बवाल करता है उसको भी आप एजिटेटर कह सकते हो।
आपको यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए. द एजिटेटर आर नॉट गोइंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन सामने खड़े हो गए या पुलिस स्टेशन में है, किसी बात को धरना दे रहे हैं, है ना, कुछ हो गया, गांव में चोरी हो गई है, पुलिस एक्शन नहीं ली है, तो जो एजिटेटर हूँ मतलब कि जो आंदोलनकारी हैं वो पुलिस स्टेशन में आ गए हैं या पुलिस स्टेशन के सामने आ गए हैं, तब रोड के सामने आ गए हैं. तो अब जो नहीं जा रहे तो ये ऐसे सेंटेंस का आप यूज कर सकते हो. द एजिटेटर आर नॉट गोइंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, ठीक, इस तरीके से. द एजिटेटर आर नॉट गोइंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन. ध्यान दीजिएगा, हर वर्ड में एक ना कोई भी एक अक्षर या मतलब एक से ज्यादा अक्षर, दो तीन अक्षर भी हो सकते हैं, साउंड, एक साउंड को हम जरूर बल देना है, हमारी एक तरीके से प्राथमिकता होती है. अगर वो नाउन है, खासकर अगर वो नाउन है, तो हमें किसी न किसी एक वर्ड पे तो बल देना ही देना होता है, किसी न किसी एक साउंड पे. ध्यान दीजिएगा, हमें बल देना ही देना है, इंग्लिश में ये नियम है. अगर वो नाउन है या वर्ब है, नाउन वर्ब है, तो किसी न किसी एक साउंड पे, मतलब जो शब्द है वो कई सारे साउंड से बना हुआ है. जैसे यहां देखिए, ए जी टे टर, चार साउंड से बना हुआ है, ए जी टे टर, तो हमें ए पे बल देना है. तो अलग अलग नियम होते हैं, कभी हम नियम डिस्कस करेंगे. तो ये आपको समझ में आ गया. द एजिटेटर आर नॉट गोइंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन. थर्ड है कार्डर, क्या पढ़ते हैं इसको, कार्डर, र को हल्का सा पढ़ते हैं, हल्का सा, ठीक है, कार्डर र आता है, हल्का सा कार्डर. कार्डर भी क्या होता है, नाउन होता है, इसका मतलब तो सदस्य या कार्यकर्ता. ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बोलता है ना कि ये मेरे फैमिली के सदस्य हैं, ये वो सदस्य नहीं है. ध्यान दीजिएगा, ये सदस्य होता है किसी संस्था से, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या किसी संघ से. संघ मतलब अलग अलग, हर पार्टी का अपना संघ होता है, इसके बेस पे वो अपने युवा नेता को तैयार करते हैं, ठीक. तो उसके उसके कार्यकर्ता, उसके सदस्य होना या कार्यकर्ता होना, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होना या किसी संघ के सदस्य होना, उनको हम कार्डर कहते हैं. जैसे आपने अभी कई सारे न्यूज आप सुनते होंगे, अगर आपने इंग्लिश न्यूज देखा होगा तो आपने सुना कई बार, द कार्डर ऑफ पर्टिकुलर पार्टी इज राइटिंग देयर, ठीक है. ऐसे मतलब हमने सुना अभी कुछ दिन पहले कि लोग कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर पार्टी के कार्डर जो है वो राइटिंग कर रहे थे, राइटिंग मतलब दंगा कर रहे थे, समझना रहा है. तो उस पर डीप नहीं आएंगे, वो सबका पॉलिटिकल मामला है. हमें जानना है क्या है कि कार्डर का यूज नॉर्मली हम पॉलिटिकली ही करते हैं, ये सबका यूज, एब्डिकेट, सत्या त्यागना, ये नहीं कि अगर आपको मान लीजिए पिता जो है फिर डिसीजन लेते थे, फिर पिता बीमार हो गए तो बड़े भैया ले लेंगे, तो वो पिता एब्डिकेट नहीं किए हैं, ये पॉलिटिकली, ये सब के सब वर्ड पॉलिटिकली ही नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है ना. शायद एक दो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, नीचे का एक वर्ड है जिसको आप नॉर्मली कभी कभी यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में. तो कार्डर पढ़ते हैं, इसका मतलब सदस्य कार्यकर्ता. एग्जांपल आप देख ही लिए होंगे, आप नोट करने की चिंता मत करिए, लास्ट में आपको मैं टाइम दूंगा, उसको स्क्रीन शॉट करके आराम से उसको आप नोट कर लीजिएगा. सी वॉन्ट्स टू, एस क्यू लगाया मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने यहाँ एस क्यू लगाया है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ एस क्यू लगाया. मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के कि यहाँ एस क्यू लगाया. सी वॉन्ट्स टू बिकम द कार्डर ऑफ द न्यू पार्टी, कोई नया पार्टी हुआ है, कोई नई पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी, तो बोले कि मैं ये चाहती है कि वो उसका सदस्य बने. टू बिकम मतलब बनना, टू बिकम मतलब उसका उसका सदस्य बनना. किसका सदस्य बनना, कोई नई पार्टी आई है, न्यू पार्टी आई है, पॉलिटिकल पार्टी, मैं इसको यहां सही कर दे रहा हूं, ठीक है, कि कोई नई पार्टी आई है उसका वो सदस्य बनना चाहती है. समझना कि आप कुछ बना सकते हो. द कार्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी हैज कम टू माय होम, मतलब उनके सदस्य या उनके कार्यकर्ता मेरे घर आए थे फॉर वोट के लिए, ठीक. तो ये तीनों समझ में आ गया आपको. एप्टिके कार्डर, इसमें देखिए का, इसको का पढ़ते हैं, तो का डर, इसमें सिर्फ दो साउंड है, का डर. तो हमें जो बल देना है किसमें देना है, कार्डर पे, कार्डर नहीं होता है, कडर नहीं होता है, कार्डर होता है, ठीक है. कितना खराब लगेगा कडर बोलने में, कार्डर होता है. अब इसमें देखिए, इसमें भी जो साउंड काउंट करिए, डिप लो मैं सी, चार साउंड है, डिप लो मैं सी. तो हमें जो बल देना है वो देना है किसपे देना है, लॉ पे,
किस पे देना है? लॉ पे। मैं यहाँ पे संचालन कर दे रहा हूँ, डिप्लोमेसी। इसको क्या पढ़ते हैं? डिप्लोमेसी। और ये भी नाउन होता है, डिप्लोमेसी। क्या पढ़ते हैं इसको? ये भी नाउन होता है, ठीक। और कार्डर्स, इसका प्लूरलाइज हो सकता है, प्लूरल बन सकता है, एस लगाओगे तो प्लूरलाइज, कार्यकर्ताओं हो जाएंगे, कार्यकर्ताएं हो जाएंगी, तो डिप्लोमेसी। और ये चाहे मेल के लिए यूज होता है और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, किसी के लिए। डिप्लोमेसी क्या पढ़ते हैं इसको? डिप्लोमेसी। मेरे साथ प्रोनाउंस करिए, डिप्लोमेसी। कूटनीति या रणनीति या चालाकी, चालाकी बहुत रेयर यूज होता है, कूटनीति ही नॉर्मली। डिप्लोमेसी आपने कई बार सुना होगा, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी नाउन है, मतलब वो जो तरीका जिससे हम कूटनीति बनाते हैं किसी पर्टिकुलर दो राज्यों के बीच में, दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, या सिंपल पॉलिटिकल नीति, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स पे जो जो रूल जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, जो ट्रिक अपनाई जाती है कि भाई ऐसा करेंगे तो ये फायदा होगा, ऐसा करेंगे तो वो फायदा होगा, उसको हम कूटनीति कहते हैं। और जो ये करवाता है उसको डिप्लोमेट कहते हैं, ठीक। और हर कंट्री का अपना खुद का डिप्लोमेट होता है, समझ में आ रहा है? वो लीगली होता है, कोई इलीगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कूटनीति बहुत गलत चीज है, अच्छी चीज है, ठीक। हर देश कूटनीति करता है, इंडिया भी करता है, और इंडिया खुद का एक लीगल डिप्लोमेट होता है जो दूसरे देश के डिप्लोमेट से बात करता है। तो डिप्लोमेसी आप अगर कभी सुनोगे तो ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमेट कभी आप न्यूज सुनते रहोगे तो आएगा खबर आपको, जब किसी भी दो देश के बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप सुनोगे। अगर आप आधे घंटे का शो देख लो न्यूज में, तो आपको डिप्लोमेटिक वर्ड जरूर मिल जाएगा। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, कूटनीति। व्हाट इज द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग टू चाइना? रिगार्डिंग टू मतलब होता है के विषय में, क्या इसका मतलब होता है? के विषय में या के लिए, के विषय में या के लिए, इसका मतलब होता है के विषय में या के लिए। व्हाट इज द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग टू चाइना? चाइना से संबंधित भारत की जो कूटनीति क्या है? कोई पूछ सकता है, हम भी पूछ रहे हैं भाई, चाइना ये करता है वो करता है, हम करते रहते हैं, अच्छा काम भी करता है बुरा काम भी करता है, तो हम क्या बोले? हमारा हक है पूछने का। व्हाट इज डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, या इंडियन गवर्नमेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग टू चाइना? अब लास्ट में आता है मैंडेट। नाम तो लिखा ही आपका, जनादेश, क्लियर है, जनादेश। मैंडेट ये भी नाम होता है, मैंडेट क्या होता है? जनादेश, जनादेश मतलब जन का देश, जन का आदेश। ये जो वर्ड है बना हुआ है जन प्लस आदेश, संधि विच्छेद करेंगे इसको, संधि विच्छेद आपने पढ़ाई होगा। तो जन मतलब होता है लोग, लोगों का आदेश, यानी कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन नहीं होता कि हम वोट करते हैं फिर एक पार्टी जीतती है फिर उसके सीएम पीएम मंत्री बनते हैं, तो जनादेश बोलते हैं ना, हमें जनता का जनादेश मिला है, ऐसा आप सुनते होंगे, क्लियर है। तो वो उसका मतलब मैंडेट, ठीक। तो यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने, द मैंडेट ऑफ द पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड। बात चल रही है, ऐसे कोई कह रहा है कि भाई जनता का जनादेश हमें मानना चाहिए, ठीक है, मैं इस पार्टी को, मैंने इस मान लो किसी पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया और वो पार्टी जीत गई, तो हमें मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से हमें जो ज्यादा जनता है जितने ज्यादा वोट दिया है उनके जनादेश को मानना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। द मैंडेट ऑफ द पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड, और ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो द मैंडेट ऑफ द पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड, आप इसको अलग तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूज करने का तरीका है। द लेटेस्ट मैंडेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड, मतलब जो नया जनादेश है भारत का वो बहुत बढ़िया है, आप अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हो। प्लीज इसका एग्जाम्पल अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और मैंने यही पूछा था आपको, अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, अगर प्लूरल हुआ तो नहीं जोड़ते, उसको वॉन्ट लिखते हैं, मतलब यहाँ अगर दे होता तो हम उसको वॉन्ट लिखते, एस नहीं लिखते, समझ में आ गया आपको, होप आप क्लियर हो गया आपका। तो ये कीवर्ड है आज का डे थ्री का, होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, प्लीज इसका यूज करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज करना, यूज करें। अब अगर आपको नोट करना है तो मैं आपको टाइम दे दे रहा हूँ, ठीक है, और कल हम फिर इसी टाइम मिलेंगे नेक्स्ट कीवर्ड के साथ, हो सकता है वो इडियम फ्रेजेस हो, डिफिकल्ट वर्ड हो, या कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा यूनिक चीजें हम करते हुए नए नए चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसको फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपने आप उसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, प्लीज इसको कॉपी में नोट करिएगा, तब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।